हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल आज पत्रकारों से रूबरू हो गए। सीएम मनोहर लाल दोपहर 3 बजे डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे। बता दें कि कोरोना से ठीक होने के बाद सीएम मनोहर लाल एक्टिव हैं। इससे पहले सीएम ने कल कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की थी और फिर विधायकों और अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि 7 दशकों का संघर्षपूर्ण प्रेरणादायी जीवन पूरा करने पर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने पीएम मोदी को उनके 70वें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और लिखा कि आपके नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर है और ईश्वर से आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और प्रदेश में कोरोना के आंकड़े 1 लाख पार कर चुके हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 2,02,694 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 421 नए मामले सामने आए हैं तो वहीं फरीदाबाद में 292 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 234 नए मामले सामने आए जबकि करनाल में 197 नए मामले सामने आए और वहीं बात अंबाला की करें तो 192 कोरोना के नए मरीज यहां से सामने आए और रोहतक में 178 कोरोना के नए मामले सामने आए। पंचकुला में 140 कोरोना के नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत का मामला भी सामने आया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि 140 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकुला के अलग अलग क्षेत्रों और सेक्टरों से शामिल हैं। बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी कोरोना मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया और वहीं इन सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बल्लभगढ़ विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज देश का हर नागरिक मोदी जी के संदेश को लेकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मजहब और जाति से ऊपर उठकर काम किए जा रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश की 130 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री के कार्यों से खुश है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर न्यू जनता कॉलोनी में एलईडी लाइट लगाए जाने के कार्य की शुरुआत की। पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा घरोंडा की नई अनाज मंडी में पहुंचे। मौके पर भूपेंद्र हुड्डा ने आढ़ती किसानों और मजदूरों से बातचीत की। हुड्डा ने मंडी में बिक्री के लिए आई किसान की धान की ढेरियों का जायजा लेते हुए किसानों से बातचीत की। इससे पहले आढ़तियों ने हुड्डा के सामने अपनी समस्या रखी। कहा कि उनकी बकाया पेमेंट नहीं मिली है। कुछ आढ़तियों ने मजदूरों को भी मिलवाया और हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार एक विफल सरकार है। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी लेकर आए हैं तो वो किसान विरोधी जनविरोधी है। किसी के हित में ही नहीं है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के मंडी सिस्टम ने ही किसानों और आढ़तियों को बचा रखा। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसानों को धान की फसल पर एमएसपी नहीं मिल रहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान व्यापारी और मजदूर सब बर्बादी के कगार पर हैं। लंबे अंतराल के बाद बुधवार को सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुलाकात की। सीएम आवास पर हुई मुलाकात के दौरान कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। मुलाकात के बाद गृह मंत्री विज ने बताया कि लंबे वक्त के बाद सीएम के साथ मुलाकात हुई और कुछ मामलों पर चर्चा की गई। बताया कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में काम कर रही है। इसका फायदा भी किसानों को हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों को लेकर कांग्रेस राजनीति करती है। विज ने कहा कि मौजूदा सरकार पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस ये देखे कि उनके शासनकाल में किसी किसान की कैसी दशा नजर आई। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद रणदीप सुरजेवाला पहली बार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे जहां प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा को खेती के बारे में जानकारी नहीं है और वहीं किसानों के 2 गुटों में हुए विवाद पर कहा कि सरकार फूट डालो राज करो करने की नीति पर काम कर रही है।
नीलोखेड़ी खंड विकास और पंचायत अधिकारी जगबीर दलाल के कार्यालय में बिजली सतर्कता विभाग की ओर से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कार्यालय में कई बिजली के उपकरण डायरेक्ट चलते पाए गए। मामले में विभाग की ओर से 4,46,473 का जुर्माना लगाया गया। सतर्कता विभाग की टीम की ओर से कार्यालय और क्वार्टर नंबर 1 की जांच की गई। वहीं कुछ अन्य अनियमितताओं के तहत कार्रवाई की गई। एक्सएन वीके गोयल ने कहा कि अगर समय रहते पैसे नहीं भरे गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रोहतक के शीतलनगर कॉलोनी में आर्मी से रिटायर्ड 35 साल के युवक ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। मृतक की पत्नी का कहना है कि पैसे के लेनदेन और नौकरी के चलते उसका पति कई दिनों से परेशान था। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज चुके। पुलिस का कहना है कि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन उसमें आत्महत्या के वास्तविक कारणों का कोई जिक्र नहीं है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। करनाल नेशनल हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगी। घटना आईटीआई चौक के पास की है, जहां लुधियाना से दिल्ली जा रही कार में आग लगी। बताया जा रहा है कि कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। राहत की बात तो ये रही कि वक्त रहते कार सवार सभी लोग कार से बाहर निकले, जिससे कोई मानवीय क्षति नहीं हुई। कार सवार लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसकी जानकारी राहगीर ने उन्हें दी। कार चालक ने जब गाड़ी को रोका तो आग पूरी तरह से फैल चुकी थी, जिसके बाद चालक और सवारी तुरंत कार से बाहर निकले। घटना की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। कोरोना काल में 175 दिन बाद चंडीगढ़ के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को पहले पंचकूला जाकर चंडीगढ़ के लिए बस बदलनी पड़ती, लेकिन अब हिसार डिपो की ओर से चंडीगढ़ के लिए स्पेशल 5 बसों का संचालन शुरू कर दिया है। डिपो इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि 5 बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। बसें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के आईएसबीटी तक जाएगी। वहीं भविष्य में सवारियों की संख्या को देखकर बसों की संख्या में बढ़ावा दिया जाएगा। डिपो इंस्पेक्टर ने बताया कि चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को सैनिटाइज किया जाता है। चंडीगढ़ जाने वाली बस में सफर करने के लिए यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं, या फिर बस स्टैंड पर तुरंत टिकट लेकर सफर कर सकते हैं। करीब 5 महीने बाद चंडीगढ़ की बस शुरू होने से यात्री भी काफी खुश नजर आए और कहा कि कोरोना काल के समय चंडीगढ़ जाने के लिए अलग अलग बस में सफर करना पड़ता था, जिसमें ज्यादा वक्त लगता था। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे इसी कड़ी में झज्जर में ट्रैफिक पुलिस ने भी ऐसे लोगों के चालान काटना शुरू कर दिया है जो मास्क लगाकर नहीं निकलते हैं। वहीं झज्जर नगर पालिका सचिव की ओर से हाथ से बने थैले बैग को बांटा और झज्जर नगर पालिका सचिव ने बताया कि 10,000 से ज्यादा थैले लोगों में वितरित किए गए हैं, ताकि पॉलीथिन मुक्त भारत का सपना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखा वो पूरा हो। वहीं जब नगर पालिका के सचिव से क्षेत्र में पानी भरने की समस्या के बारे में पूछा गया तो टाल मटोल करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, आपको ये समस्या दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। फतेहाबाद में अटल सेवा केंद्र पर मिलन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की सहायता से लोग शादी के लिए मनचाह वर और वधु आसानी से ढूंढ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले SC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर आसानी से लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 4 दिन पहले शुरू हुए सेंटर में अब तक 285 लोगों ने पंजीकरण कराया है। होटल में दिन दहाड़े 10 से 12 बदमाशों ने पवन नाम के युवक पर फायरिंग की। युवक ने एक घर में घुसकर अपनी जान बचाई। सभी बदमाशों के पास हथियार और डंडे थे। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक की हत्या करने की योजना बनाई, जिसमें वह सफल रहे। गुआना के सब्जी मंडी में काम करने वाले छोटे दुकानदारों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, जिसके चलते सभी सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे राज्य में सब्जी का उत्पादन कम होने से भाव बढ़ते जा रहे हैं। पहले 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया, जिसके चलते सब्जियां खरीदना और बेचना घाटे का सौदा होता जा रहा है। दुकानदारों की माने तो हर रोज वो 5 से 7 हजार की सब्जियां बड़े दुकानदारों से खरीदकर बेचते हैं, लेकिन भाव लगातार बढ़ने से हर रोज सब्जियां नहीं बिक रही, जिसके चलते उन्हें हर रोज हजारों का नुकसान हो रहा है। फतेहाबाद के मॉडल टाउन में प्रशासन की ओर से रेहड़ी वालों को हटा दिया गया, जिसके बाद रेहड़ी चालक अपनी समस्याओं को लेकर डीसी दफ्तर पहुंचे। रेहड़ी चालकों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें उनके रोजगार के लिए कोई जगह मुहैया कराई जाए जहां वो अपनी रेहड़ी लगा सके। इस मामले में डीसी ने एसडीएम से संज्ञान लेने के आदेश जारी किए।
करनाल के कर्ण स्टेडियम में पिछले दो साल में केंद्रीय स्टॉक रजिस्टर में 10,19,000 रुपए खेल सामान का घोटाला सामने आया। इस मामले में अभी जिला स्टोर की जांच होनी बाकी है। ऐसे में जिला खेल अधिकारी से एक सप्ताह में जवाब मांगा गया। कम दिखाए गए सामान को लेकर जिला खेल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जिला खेल विभाग अपनी पुरानी खामियों को दबाए बैठा है ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को खेल सामान के घोटाले का पता न चले। खिलाड़ियों के खेल सामान को लेकर बड़ी गड़बड़ी पाया जाना खेल विभाग की बड़ी लापरवाही है। हरियाणा सरकार की ओर से रोडवेज बस सेवा करनाल से चंडीगढ़ के लिए बहाल कर दी गई, लेकिन पहले दिन यात्री न होने के कारण बसों को करनाल से चंडीगढ़ के लिए रवाना नहीं किया गया। प्रदेश में हो रही बिजली चोरी पर रोक लगाना बिजली कर्मचारियों के लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है। ताजा मामला भिवानी के गुजरानी गांव का, जहां बिजली निगम के जेई की टीम की एक परिवार ने जमकर पिटाई की और कई बिजली कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर बिजली निगम के जेई जिले सिंह अपनी टीम के साथ गुजरानी गांव में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जैसे बिजली चोरी के लिए तारे डाली तो तारों का वीडियो बनाना शुरू किया, तो लोगों ने उन पर लाठी डंडों से वार कर दिया। हमले के बाद बिजली कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग की। नांगल चौधरी के गांव कालाबा में बुधवार को वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में रेंजर और डिप्टी रेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल रेंजर ने मौजूदा सरपंच सहित दो लोगों के खिलाफ और अन्य 5-6 लोगों सहित 3 महिलाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कालबा गांव के सड़क किनारे कुछ लोगों को जेसीबी से पेड़ों की मिट्टी उठाने से रोकने पर उन्होंने वन विभाग की टीम पर लाठी कुल्हाड़ों से हमला कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इंद्री के गांव धनोखेड़ी के पास ड्रेन की पुलिया के नीचे के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच शुरू की। पुलिस ने शव को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला। शव के पास से इंजेक्शन बरामद किया गया। मृतक का भाई कर्मदीन का कहना है कि मेरा भाई फिरोज खान मंगलवार की सुबह 8 बजे घर से लापता हुआ था, जिसका शव धनोखेड़ी के पास ड्रेन की पुलिया के नीचे मिला है। भाई मारा गया है। टोआना में 15 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने है, जिसको लेकर पीड़िता ने गृहमंत्री और महिला आयोग को पत्र लेकर न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि 18 अगस्त को कुछ लड़के जबरदस्ती घर में घुस गए थे। लड़के ने छेड़छाड़ की और दादी के आते ही मौके से आरोपी फरार हो गया। बदमाशों ने पीड़िता को धमकी दी, जिसके बाद शिकायत लेकर पुलिस के पास गए। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हफ्ते बाद दोषियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सोना के गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा महिला खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, तभी एक शख्स ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री घोटाले के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया, जिसको लेकर जो शहरवासी अपने मकान या जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आएगा उसे पहले डोर टू डोर कूड़ा उठाने का चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, अगर ये चार्ज नहीं दिया जाता तो रजिस्ट्री उसकी नहीं होगी। फतेहाबाद में 2017 में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया था। इस कूड़े को उठाने के लिए नगर